हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाउमीन बनाने की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी आपके चाउमीन बनेंगे। इसे खाने के बाद में आप मार्केट से लेना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि मैं पहले कभी भी चाउमीन नहीं खाना पसंद करती थी, लेकिन अब मैं चाउमीन बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो इसी तरह से आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। तो चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक इसके अंदर डाल दिया है। नमक को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पानी के अंदर पहले अच्छे से उबाल आने दें, ताकि हम इसके अंदर जैसे अपने चाउमीन को डालते हैं तो चाउ हमारे अच्छे से एकदम फूल कर तैयार हो जाए। उबाल आने के बाद में मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये चाउ डाल दिए हैं और चाउ को डालकर हम इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। पानी आपको इसके अंदर इतना लेना है जितने के अंदर के आपके जो चाउ हैं वो अच्छी तरह से डूब जाएँ। अब इसे हमें तब तक उबालना है तब तक कि हमारे जो चाउ हैं वो 80% तक पक ना जाएँ। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पर रखा है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लिया है। तो हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा दबाकर चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये पककर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट आपको इसे नहीं करना है। बस गैस की फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देंगे और इसे हम यहाँ पर छान लेंगे। छलनी में डालकर आप इसको इस तरीके से थोड़ा फैला दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो चाउ है वो ज़्यादा पक गए हैं, तो आप इसके ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे चाउ जो हैं वो एकदम परफेक्ट पके हैं। इस तरीके से झटक कर हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे और इसे हम एक थाली के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। इसके ऊपर से मैं यहाँ पर ये 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ और तेल को डालकर हम इसके साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोक का इस्तेमाल किया है, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। इस तरीके से एक एक चाउ को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए और पंखे की हवा में आप इसे रख दें। पंखे की हवा में आप इसको इस तरीके से सुखा देंगे तो जो आपके चाउ हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और इस तरीके से करने के बाद में आप इसे फ्रीज के अंदर रखकर 24 घंटे तक रख सकते हो। उसके बाद में जब भी आपको इसे बनाना है तो आप बना सकते हो। सर्दी के मौसम में तो आप इसे बिना फ्रीज भी 12 घंटे तक रख कर छोड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चाउ को तुरंत बना रही हूँ, तो इसके लिए गैस ऑन करके मैंने एक खुली कढ़ाई को गैस पर रख दिया। कोई भी चौड़े मुँह वाला बर्तन आप ले सकते हो। इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल आप चाहें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब तब तक हमारा तेल गर्म होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबे स्लाइस में काट लिया है। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ये लहसुन डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर हरी मिर्ची और अदरक को डाल दें। अगर आप लहसुन या अदरक में से कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम हाई पर रखा है और इसे हम लगातार चलाते हुए हल्का सा सौदे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन आपको इसे नहीं करना है। तुरंत ही हम इसके अंदर यहाँ पर ये प्याज डाल देंगे। तो प्याज डालने के बाद में गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को चलाते हुए 1 मिनट के लिए हल्का सा सौदे करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट पिंक होने तक आप इसे हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो हम इसके अंदर थोड़ी सब्जियां डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1 गाजर को लंबा काट कर लिया है और 1 शिमला मिर्ची को इस तरीके से लंबा काट कर ले लिया है। सब्जियाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी डाल सकते हो। आप चाहें तो इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस यानी हरे प्याज डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। हाई फ्लेम पर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों के अंदर हमें पूरा क्रंच चाहिए, तो इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच काला सिरका। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तीखा जितना आप खाना पसंद करते हैं तो सॉस आप इतनी ज़्यादा डाल सकते हो। आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर यहाँ पर ये सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस के अंदर नमक होता है, तो इसीलिए आपको इसके अंदर नमक जो डालना है वो बहुत ही ध्यान से डालना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई कि 300 ग्राम यहाँ पर मैंने ये चाउ लिए थे,
300 ग्राम चाव के लिए यहाँ पर ये पूरा एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये टोमेटो सॉस डाल दी है। सॉस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम रखना है गैस का। यहाँ पर हाई फ्लेम रखते हुए मैंने 30 से 40 सेकेंड के लिए सॉस को अच्छे से चला लिया है। इसके बाद में हम इसके अंदर ये चाव को डाल देंगे। चाव आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला चाव है हमारा। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दें। नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने इसको बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। साथ ही हमने इसके अंदर जो सोया सॉस डाली है तो उसके अंदर भी नमक होता है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको इस तरीके से करछी से और फोक से चला सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से टोस्ट कर लें। हाई फ्लेम रखेंगे और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अच्छे से टोस्ट कर लीजिए तो एकदम परफेक्ट आपके ये चाउमीन बनकर तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।